हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो दोस्तों, आज हम जो वीडियो वॉच करने जा रहे हैं, ये वीडियो है फाइनेंशियल क्राइसिस एंड फॉल ऑफ पाकिस्तान केस स्टडी बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। सो इनकी वीडियोज काफी अच्छी होती हैं, मैंने इनकी वीडियोज काफी टाइम से देखती आ रही हूँ, और स्टार्टिंग जब मैंने ली थी यूट्यूब की तो तब भी मैंने इन्हीं की वीडियो स्टार्ट किया था। तो बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, इनकी काफी नॉलेज मिलती है। सो गाइज, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जरूर देखिएगा। बाकी ये वीडियो काफी सजेशन में आई थी, तो हम इस पर रिएक्शन कर रहे हैं, देखते हैं। और विवेक बिंद्रा जी की डॉक्यूमेंट्री में देखेंगे कि पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल क्राइसिस और फॉल है वो क्यों है, और उसको डीपली हम जानने की कोशिश करेंगे इन अ पॉजिटिव वे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए, ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो यस, हियर वी गो। जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो अंडर क्राइसिस है, डू यू थिंक इट विल अफेक्ट इंडिया? पाकिस्तान का कंपैरिजन भारत के साथ नहीं किया जा सकता, श्रीलंका, घाना, नाइजीरिया के साथ किया जा सकता है, क्योंकि ये उनसे भी आगे निकल गए। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, शहबाज शरीफ, वो कहते हैं आज हम किसी दोस्त मुल्क को अगर फोन भी करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम उनसे भीख मांगने आ रहे हैं। जितनी इनकी कमाई है उसका 50% ये ईएमआई भी नहीं, इंटरेस्ट चुकाने में लगा देते हैं। आज पाकिस्तानी रुपये 275 रुपये डॉलर का है, हमारा रुपये 81 रुपये डॉलर का है। प्रिय पाकिस्तान, हमारी छोड़ो, अपना रखो ख्याल, गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए भी बेचनी पड़ सकती है आपको किडनी, अगर ऐसा ही रहा आपका हाल। बिजनेस की फील्ड में इंटरेस्ट है तो ये नामुमकिन है कि आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम नहीं सुना होगा। इंडियाज टॉप बिजनेस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर इज हियर विद अस टुडे ऑन TV9 भारतवर्ष। वेलकम विवेक। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच दिव्या कोचर जी। विवेक जी, यू आर अ बिजनेस कोच एंड यू नो यू अंडरस्टैंड मनी मैटर्स वेरी वेल, तो इसी से रिलेटेड एक सवाल है मेरा आपके लिए कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो अंडर क्राइसिस है, तो व्हाट यू थिंक, व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर देम एंड डू यू थिंक इट विल अफेक्ट इंडिया? अफेक्ट इंडिया तो हाँ, नेचुरली कुछ अफेक्ट तो इंडिया को करेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान जब ज़्यादा कमजोर होगा, जैसे कि यूएस से अब हट करके चाइना का वहाँ पे इंटरवेंशन बढ़ा है, चाइना आज अपना 30% आर्म्स का सप्लाई एक्सपोर्ट वहीं कर रहा है, पाकिस्तान का मैक्सिमम एम्यूनेशन सारा चाइना से आ रहा है, पाकिस्तान जितना कमजोर होगा चाइना वहाँ पे उसको और ज़्यादा मजबूती से और अंदर प्रवेश कर जाएगा, और उनको पैसा देगा, और कर्जे के ट्रैप में फंसाएगा, तो पूरी की पूरी इकॉनमी को कंट्रोल करेगा चाइना की, चाइना पाकिस्तान की, जैसे उन्होंने श्रीलंका के साथ में किया, तो वो हमारे को तो इम्पैक्ट करेगा जब चारों तरफ से हमारे दुश्मन बढ़ते हैं। वैसे पक्का ही आपने पूछा पाकिस्तान के विषय में, पाक ने कटवाई अपनी नाक, उसका नाम अब पाकिस्तान नहीं राखिस्तान या राख, यानी कि राखिस्तान या खाकिस्तान, खाक हो जाना चाहिए, क्योंकि इस समय मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ पाकिस्तान का कंपैरिजन भारत के साथ नहीं किया जा सकता, श्रीलंका, घाना, नाइजीरिया के साथ किया जा सकता है, क्योंकि उनसे भी आगे निकल गए हैं। पाकिस्तान में लाखों लोग मेरे वीडियो देखते हैं, मैं नहीं चाहूंगा पाकिस्तान डूब जाए, पर एक बार किसी ने, मैं चुटकुले से समझाता हूँ आपको, कि सोनू नाम का एक लड़का था, उसने पूछा एशिया का सबसे अमीर देश कौन है, तो मोनू ने उसे कहा कि पाकिस्तान सबसे अमीर है, तो सोनू ने पूछा ऐसा क्यों, तो मोनू बोला यार क्योंकि वो 300 रुपए किलो चावल खाते हैं, 500 रुपए किलो टमाटर खाते हैं, 250 रुपए लीटर तो नहीं है, और जो है दूध भी पीते हैं 300 रुपए लीटर, तो यानी कि वहां सब कुछ इतना महंगा हो चुका है। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, शहबाज शरीफ, वो कहते हैं आज हम किसी दोस्त मुल्क को अगर फोन भी करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम उनसे भीख मांगने आ रहे हैं। हम दूसरे देशों से हाथ मिलाते हैं, ये उनके आगे, हम यानी कि इंडिया दूसरे देशों से हाथ मिलाते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री, ये दूसरे देशों से हाथ नहीं मिलाते, उनके आगे हाथ फैलाते हैं। फर्क बड़ा आ गया, आपको बताया तो फेडरल मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग जो है उनके अपने एहसान इकबाल, वो कहते हैं कि मैं नेशन को कह रहा हूं कि भाई चाय कम पियो। उस समय यूएस सेक्रेटरी जो हुआ करती थी मेडलिन एल्ब्राइट, 26/11 में 2008 के अंदर जब उन्होंने हमला किया था, तो बोले पाकिस्तान जो है वो एक इंटरनेशनल माइग्रेन है, और आज 2008 से 15 साल के बाद आज भी ये बात उतनी ही सच है, क्योंकि इतनी अनस्टेबल गवर्नमेंट रही, एक्सट्रीम करप्शन रहा है वहां पे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है सोचो, सबसे बड़ी दिक्कत पाकिस्तान की यह है कि वो डिटर्जेंट की एड आती थी, तुम्हारी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, ये अपने गिरेबान में मत झांको, हिंदुस्तान को कैसे बर्बाद करे बस इसी की राह ताको, इसीलिए खुद के पैरों पर खड़े होने से ज्यादा उन्होंने सारा ध्यान भारत के पैरों को कमजोर करने पर लगाया। पाकिस्तान अपने पांव गंवा चुका है, कोई भी देश अपनी इकोनॉमिक पावर को मजबूत करे उससे मिलिट्री पावर मजबूत होती है, ये उल्टा चलते हैं, ये मिलिट्री पावर को मजबूत करते हैं, इकोनॉमिक पावर को मजबूत नहीं करते। देखो मैं आपको समझा देता हूं, वैसे देवी जी आप समझो दिव्या, कि मिलिट्री सपोर्ट को आप खरीद सकते हो, इकोनॉमिक सपोर्ट खरीद नहीं सकते, वो उधार लेना पड़ता है। दोबारा समझाता हूं, आप आर्म्स, आप जो है आप तीनों तरह की जो आपकी सेना होती है,
जलवायु, थल, तीनों प्रकार की सेना जो है उसको आप खरीद सकते हो बाजार से पूरी दुनिया से, लेकिन पैसा आप खरीद नहीं सकते, पैसा उधार लेना पड़ता है। तो ये आज दिक्कत क्या है कि इनको पैसे से अगर ये मजबूत हो जाते हैं तो दुनिया से आर्म्स खरीदते हैं, ये आर्म्स खरीदने में पैसा लगाते हैं, पैसा दूसरों से उधार लेना पड़ता है। ये हमारा हमसाया मुल्क है पर दूसरों के पैसों पे जीता आया है, हमसाया मुल्क है दूसरों के पैसों पे जीता आया है, कभी चीन, कभी अमेरिका, कभी IMF, और उसका इस्तेमाल भी अपने विकास की जगह दुनिया को नाश करने में लगाता आया है और दूसरों के पैसों पे जीता है। जो पी है ना पाकिस्तान में, वो ऐसा है दिव्या, समझो परेशान पड़ोसी, वो है पी, पाकिस्तान का पी है परेशान पड़ोसी। दिव्या, आपके घर के आसपास जरूर ऐसे पड़ोसी होंगे जो बड़े फ्रस्ट्रेटेड नेबर होते हैं, बालकनी में बैठ के देखते रहते हैं कि पड़ोस के घर में क्या नया आया, कौन सा फ्रिज आया, कौन सी गाड़ी आई, कौन सा टीवी आया। हमारे पास, भारत के पास दूरदृष्टि है, इनके पास दूरबीन है। ये हमारी दूरदृष्टि है, विजनरी है, ये दूरबीन से बैठ के देखते रहते हैं, और इनके पास जो दूरबीन है हमारी सक्सेस को नोट करने में ये पूरी तरह से लीन है। पाकिस्तान एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हुआ करता था 1960-70 में, आज 22 करोड़ लोग उनके बिना बिजली के जी रहे, अब उनको भीख भी नहीं मिल रही। 75 साल की आजादी के बाद पाकिस्तान का ये हाल है, दूसरे देश को फूकने के लिए अपना पैसा जला दिया, आज इनको वक्त पे पैसा मिलने के लिए हर आदमी ने रुला दिया। पाकिस्तान क्या कहता है, इफ वन कैन डू लेट हिम डू, इफ नन कैन डू हाउ कैन आई डू। तो पाकिस्तान सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं है, साउथ एशिया की सबसे कमजोर कड़ी, कर्जों पर इनकी इकोनॉमी खड़ी। आज क्या है, जो नॉम चोक्सी जो है यूएस इंटेलेक्चुअल, पाकिस्तान कभी भी भारत की सैन्य शक्ति की बराबरी नहीं कर सकता है, वो कहते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा करने के चक्कर में उसने अपने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। ये लोग इंडिपेंडेंस के टाइम पे अपना देश मांगते थे दिव्या, पर आप देश को चलाना हो रहा है भारी, और मांगने की आदत आज भी है इनकी जारी। आज आपको बताया था डेट टू GDP रेशियो इनका 70% है, यानी कि जितना इनका GDP है, इसको ऐसे समझो जितनी इनकी कमाई है उसका 50% ये EMI भी नहीं, इंटरेस्ट चुकाने में लगा देते हैं। आज पाकिस्तानी रुपी 275 रुपए डॉलर का है, हमारा रुपी 81 रुपए डॉलर का है, इनका इन्फ्लेशन रेट 27% है, इनकी 40% जो पॉपुलेशन है वो भयंकर गरीबी रेखा के नीचे है, फॉरेन रिजर्व इनके पास है ही नहीं $3 बिलियन। ऐसा बताया जाता है कि 2 हफ्ते में इनका फॉरेन रिजर्व खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये पूरी तरह भूखा नंगा हो जाएगा। क्षमा चाहता हूँ, कठोर बोलना पड़ रहा हूँ, 250 रुपए लीटर पेट्रोल, 260 रुपए लीटर डीजल, 210 रुपए लीटर आपका दूध, वहां पे मैं नॉनवेज की बात नहीं करता पर बताना चाहता हूँ ये नॉनवेज खाते हैं, 900 रुपए किलो चिकन हो गया वहां पे। प्रिय पाकिस्तान हमारी छोड़ो, अपना रखो ख्याल, गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए भी बेचनी पड़ सकती है आपको किडनी, अगर ऐसा ही रहा आपका हाल। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ IMF जिनके पास ये गए हैं, उन्होंने $6 बिलियन जो उनको 2019 में बताया था, अब उसको बचा हुआ $1.1 बिलियन देने के लिए मना कर रहे हैं, पाकिस्तान में भारी शर्तें लगा रहे हैं। और आज ये अगर ये इनको IMF ने पैसा नहीं दिया तो उनको खुद पैसा रेज करना पड़ेगा टैक्सेस ज्यादा लेके, और बहुत ज्यादा टैक्सेस इन्होंने लिए तो पहले ही इनका इन्फ्लेशन 27% है, वो 40% हो जाएगा, कोई ज्यादा टैक्स लोगे और महंगाई बढ़ जाएगी, और महंगाई बढ़ जाएगी, 40% हो जाएगी इन्फ्लेशन। और अगर IMF ने नहीं दिया पैसा, बिल्कुल नहीं दिया, आप जो है पैसा देने के लिए, वो इसलिए है क्योंकि इनकी बड़ी स्ट्रिंजेंट उनके अपने लॉज हैं, वो कह रहे हैं नियम है हमारे, नियम पालन कर लो, वो दिक्कत हो रही है इनको। और वो 8% अगर इन्फ्लेशन हो गया ना, क्या इनका हाल होगा, मैं बहुत दुखी भी हूं मन से, और इनकी गलतियों के बारे में बात भी करना चाहता हूं। नेचुरल गैस प्राइस जो था इनका, वो 16% टैक्स से 112% टैक्स कर दिया, सोचो जिस यहां पे गैस का ये हाल हो। भाई जो फिच, जो ग्लोबल रेटिंग देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने IDR होता है इश्यूअर डिफॉल्ट रेटिंग, कि किसी ने पैसा उधार लिया उसकी क्या रेटिंग है, लौटा पाएगा कि नहीं लौटा पाएगा। जैसे आपके यहाँ पे, हमारे यहाँ पे भी रेटिंग होती है ना कि भाई आपको क्या रेटिंग मिल रही है, आप लौटा पाओगे नहीं लौटा पाओगे पैसा। तो इनकी रेटिंग पहले ही CCC+ थी, AAA अच्छी है, AAA- अच्छी है, BBB+ फिर भी ठीक है, लेकिन CCC+ थे, ये CCC- हो गए हैं। आप सोचो ना, वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन ने बोला पाकिस्तान में हम अपनी हवाई जहाज उड़ाएंगे ही नहीं, क्योंकि ना वो उन्होंने फ्यूल और टैक्सेस बढ़ा दिए, ऑन ग्राउंड सपोर्ट ये लोग करते नहीं है। अब कौन है इसके लिए जिम्मेदार, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक हिस्सा जो पेट्रोल सब्जी के लिए भेड़ की तरह लाइनों में लगे हैं, और दूसरा हिस्सा जो लाहौर के कैनेडियन कॉफी हाउस में सुकून की चुस्कियां ले रहे हैं। ये हिस्सा बना कैसे, अनोखी बात बताता हूँ आपको। अभी पिछले हफ्ते एक टिम हॉर्टन्स नाम का एक कॉफी हाउस खुला, बड़ा महंगा है वो, पहले ही दिन में इन्होंने रिकॉर्ड सेल्स करी। पाकिस्तान में किसी कॉफी हाउस ने 61 साल तक वो सेल्स नहीं करी, मैं पढ़ रहा था इनके बारे में। जब इन्फ्लेशन 45 साल में इतनी महंगाई ऊंची है, उसके बावजूद इतने महंगे कॉफी हाउस में लाइन लगा के लोगों ने लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की कॉफी के लिए ऑर्डर देने के लिए पहुंच रहे हैं वहां पे। कौन है जिम्मेदार इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार है इनके कोर कमांडर। कोर कमांडर को ना करोड़ कमांडर भी बोलते हैं। सारे के सारे जो कमांडर इनके आर्मी के थे, बड़े बड़े करोड़पति हो गए। जो आर्मी के जनरल बाजवा थे, वो 12.7 बिलियन पाकिस्तानी रुपए इन्होंने 6 साल में कमा लिए। 12.7 बिलियन पॉकेट। बाजवा की जो पत्नी है वो टैक्स भी फाइल नहीं करती थी उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले, आज वो बिलियनर हो चुकी है 6 साल के अंदर। पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल है, वो पूरे पाकिस्तान का 12% जमीन उनकी खुद की है,
चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, फर्टाइल हो, इतना ज्यादा करप्शन है वहां पे। अब बात होगी मौज की, जिक्र होगा पाकिस्तान की फौज की। जब बात होगी भाइयों मौज की, जिक्र होगा पाकिस्तान की फौज की, क्योंकि वही मौज मारते हैं। इनका एक ही एजेंडा, मौका मिले तो लूट लो। आयशा सिद्दीका के बारे में बताया तो सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं इनकी, वो कहती है पाकिस्तान की आर्मी की जो प्राइवेट वेल्थ है वो $20 बिलियन है, $10 बिलियन इनकी जमीनें हैं, $10 बिलियन का इनका पैसा है, 33% जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आर्मी के लोगों के पास है, 7% प्राइवेट एसेट वो आर्मी के लोगों के पास है। आर्मी अपनी फाउंडेशन के माध्यम से 100 से ज्यादा कंपनियां चला रही, बैंकिंग, स्कूल, यूनिवर्सिटी, टूरिज्म, इंश्योरेंस, कंस्ट्रक्शन, आईटी, ऑयल बिजनेस, शिपिंग, आर्मी का काम है चलाना। आर्मी का काम है यही यहाँ पे कई बार ऑपोजिशन जिसका है वो वही करेगा। सरकार क्यों करेगी बिजनेस, आर्मी क्यों करेगी बिजनेस, बिजनेस बिजनेसमैन को करने दो। देखो चक्कर क्या, मैं बताता हूँ उसे असर क्या आता है, आपको उसने कर रही आर्मी करने दो, आपका सवाल होना चाहिए, मैं समझाता हूँ। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, भाई जब आपका पति ही कोतवाल है तो आपको डर किस चीज का लगेगा। जब आर्मी बिजनेस कर रही है चोरी करके रख ले, क्योंकि आर्मी पकड़ने वाली होती है वो पकड़ेगी। बेनजीर भुट्टो को देखो ना, $1.5 बिलियन उसने, इमरान खान को देखो, बेनजीर भुट्टो $1.5 बिलियन का, इसको देखो बहुत छोटा काम किया इमरान भाई ने। क्या किया इन्होंने, $2 मिलियन के इनको गिफ्ट मिले थे, वो जो आपके सऊदी क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने इनको एक एंटी घड़ी दी थी, एक गोल्ड का पेन दिया था, एक अंगूठी दी थी और शर्ट में लगाने वाले कफलिंग दी। ये भाई उनको भी बेचा है, लिखा था उसी में क्या करूंगा गोल्ड के पेन का, इसको बेच के पेन से मुझे लिखना क्या है, हम लोग लिखने पढ़ने वाले, पैसा दे दो हमारे को। बुरा नहीं मानना भाई, पाकिस्तान के लोग आज आपके यहाँ पे इसलिए समस्या आ रही है। शहबाज शरीफ जो आपके प्राइम मिनिस्टर है वो $14 बिलियन के रुपी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में यूके को लड़ रहे हैं इस समय। उनके जो बड़े भाई थे पहले प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, अभी शहबाज शरीफ है, बड़े भाई नवाज शरीफ थे पहले, वो भाग गए एग्जाइल में लंदन के अंदर, 2019 से 7 साल की जेल उनको पाकिस्तान ने सुना रखी है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। तो एक चुटकुला समझाता हूँ आपको, एक पाकिस्तानी भारतीय से बोला आप लोग चोरों के साथ कैसा सलूक करते हो, तो भारतीय ने जवाब दिया हम चोरों के साथ कैसा सलूक करते हैं, हम अच्छा सलूक करते हैं, उसे इंसान की तरह ट्रीट करते हैं, उसे हम लोग जेल में अच्छा खाना देते हैं, उसको जेल में हम गर्म कपड़े देते हैं, उसको लंबी अदालती कार्रवाई से गुजरना पड़ता है लेकिन जेल में सुकून की जीवन जी सकता है। पाकिस्तानी कहता है तुम क्या आराम देते हो अपने चोर को, हम तो उसको वजीर आजम बना देते हैं अपने चोर को। तो देखो पाकिस्तान की हालत इस समय खराब है, कंपेयर करता हूँ इंडिया के साथ में, वो बेचारे GDP $376 बिलियन है, हम $3.4 ट्रिलियन है, हमारी GDP पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा बड़ी है। ये क्या कहते हैं, क्यों हमसे लड़ना चाहते हैं? अरे भाई फोकस करो अपने सोल्यूशन पे। इनकी GDP ग्रोथ रेट 2% है, हमारी लगभग 7% है। इनकी GDP पर कैपिटा इनकम $1600 है, हमारी इस समय $2500 से $3000 पहुंच गई है। इनके यहाँ इन्फ्लेशन रेट 27 से 60% जा रहा है, हम लोग 5% इन्फ्लेशन पे है। इनके यहाँ फॉरन रिजर्व है ही नहीं, खत्म हो चुका है, $2 बिलियन बचा है, हमारे यहाँ फॉरन रिजर्व लगभग $650 बिलियन है, 6th इन द वर्ल्ड, हम इनसे 200 गुना ज्यादा, 200x। विवेक जी अभी फिलहाल जो है हम इंडिया से तो कोई कंपेयर रीजन है नहीं पाकिस्तान का, लेकिन जिस तरीके से, जिस क्राइसिस से जो है पाकिस्तान गुजर रहा है, तो आसपास की पॉलिटिकल पार्टी, इमरान खान, शहबाज शरीफ में जो है छींटाकशी चल रही है। लेकिन ये माना जाता है कि जब इमरान खान प्रधानमंत्री रहे हैं जितने समय के लिए भी पाकिस्तान में, तो इस तरीके की जो है आपदा नहीं आई जो शहबाज के रहते हुए आ रही है। तो क्या आपका मानना होगा कि कंपेरेटिवली शहबाज शरीफ से इमरान खान पाकिस्तान के लिए बेहतर प्रधानमंत्री थे? नहीं, मुद्दा यह है कि ये बेहतर थे कि नहीं थे, आप ये समझ लीजिए, आज बहुत बदतर हैं। मैं ये बताऊं कि देखो अब आप मुझसे बोले कि दो चोर में बताओ कौन बड़ा चोर कौन छोटा चोर, आप बांग्लादेश के साथ कंपेयर करो ना, हालत क्या कर दी इन्होंने, बांग्लादेश ही इनसे बहुत आगे है इस समय। आप बांग्लादेश से शुरुआत में कंपेयर भी कर रहे थे, आप सोचिए ना, आज पता है समस्या क्या है, आज समस्या ये है कि आज भारत की तरफ पूरी दुनिया देख रही है रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में कि हम रिजॉल्व कराएं। भारत दूसरा सबसे बड़ा डोनर बन चुका है लोगों को गरीबी से, तकलीफों से बाहर निकालने के लिए दुनिया के अंदर। $70 बिलियन हमने आज इंडिपेंडेंस से अब तक दूसरे गरीब देशों को दान किया है, और इनको देख लो, $70 बिलियन छोड़ो, इनको कोई $7 बिलियन, कोई $1 बिलियन भी IMF देने को तैयार नहीं है आज। आज तो टर्की पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहा है, अजीम जमाल जो है वहां पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की के जो स्पेशल असिस्टेंट है वो कह रहे हैं भैया शहबाज शरीफ मत आना यहाँ पे, हम तुम्हारे को यहाँ पे नहीं देख सकते इस समय। पाकिस्तान क्या बोल रहा है, अच्छा चलो छोड़ो, अब आपके यहाँ तकलीफ है, हम आपसे अब इस समय और दान नहीं मांगेंगे, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हम आपको दान ही नहीं मांगेंगे आपसे। ये क्या मदद करी भाई तुमने, आप ये छोड़ो, अब मैं आपको समझाता हूँ। ये सारा समस्या इसलिए है क्योंकि इन्होंने ध्यान नहीं दिया,
ये पाकिस्तान एम्बेसडर जो चाइना के, वो बोलते हैं कि हमारा चाइना से जो रिश्ता है वो पहाड़ों से ऊंचा है, वो समुंदर से गहरा है, वो स्टील से मजबूत है, वो स्वीटर देन हनी है। तो चाणक्य पंडित ने कहा था एनिमीज एनिमीज अ फ्रेंड, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उसी चक्कर में चले गए क्योंकि चाइना इनको कश्मीर पर सपोर्ट करता है। यूएनएससी में जब इंडिया आकर के कोई रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश करता है, वो वीटो पावर के साथ में टेररिस्ट जो ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान में, एक नॉकडाउन कर देता है क्योंकि चाइना के पास वो पावर है इस समय, तो वहाँ उसको सपोर्ट करता है। और चाइना पाकिस्तान लगा हुआ है कि भाई मैं आपकी पीठ खुजाऊंगा, आप मेरी पीठ खुजाओ, तुम्हें तिब्बत और ताइवान, हम वहाँ पर तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। तो पाकिस्तान के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों है चाइना? क्योंकि वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस को काउंटर करने में मदद कर रहा है। चाइना जो आज 72% पाकिस्तान की आर्म्स की डिमांड पूरी कर रहा है, 47% चाइना के जो आर्म्स है वो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहा है, बाकी पूरी दुनिया को 53%, केवल पाकिस्तान को 47% आर्म्स दे रहा है इस समय। तो अमेरिका जब अफगानिस्तान से बाहर हुआ था ना, जब जिस समय अफगानिस्तान से बाहर हुआ तो चाइना को लगा अब अमेरिका घुसना नहीं चाहिए, इसलिए चाइना वहाँ घुस गया। और ये लोग मिल करके सोचते हैं कि ये इंडिया को तंग करेंगे, चाइना का इन्फ्लुएंस यहाँ बढ़े, यूएस की पावर अथॉरिटी कम हो जाए। और फिर उसको चाइना को ये भी लगता है भाई मेरी ग्लोबल इमेज अच्छी होती है दुनिया के सामने, मैं खुद को अच्छा दिखा रहा हूँ कि भाई मैंने तो वीकर कंट्री की मदद करी है, पाकिस्तान तो गरीब देश है, मां की मदद कर रहा है। बहुत बुरा हाल है पाकिस्तान में, इसीलिए चाइना उसका फ़ायदा उठा रहा है। 9/11 के बाद, ओसामा बिन लादेन के बाद में यूएस और पाकिस्तान के रिलेशनशिप खराब हुए थे। जब चाइना भी जो है कर्ज नहीं दे रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि शहबाज शरीफ जब से आए हैं तब से अमेरिका से जो है उनके रिश्ते वो बनाने में लगे हुए हैं, और इस चक्कर में जो है चाइना ने भी एक टर्न ले लिया है, कोई भी नहीं कर रहा। इस वक्त चाइना भी पाकिस्तान की आर्थिक मदद नहीं कर रहा है, सऊदी अरब नहीं कर रहा है, कोई अभी कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। एक पिक्चर आपने देखी थी, हेरा फेरी थी, कौन सी थी, कहता है बाबू राव का स्टाइल है, ये चाइना का स्टाइल है, ये थोड़े दिन के लिए चाइना वेट कर रहा है, ये देख रहा है कि लौट के उनके पास आएंगे और तब जो है उसके पास नेगोशिएशन पावर बढ़ चुकी होगी, ये और लूटेगा। बड़े लुटेरे जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, सामने वाले को पहले बर्बाद उन्हें देते हैं, फिर जाकर के खाते हैं, सस्ते में मिल जाता है। देखो जैसे ना, ये ऐसे समझो, उसको एक कंपनी है हमारे देश के मित्तल जी की एक कंपनी है स्टील की, आर्सिलर स्टील मित्तल जो है ना, तो आर्सिलर मित्तल यही करते हैं, वो एक्विजिशन पे काम करते हैं। 100 रुपए की चीज़ को 20 रुपए में खरीदते हैं, जब वो डूब रही होती है तब उसे खरीदते हैं, और 100 रुपए की चीज़ को 20 में खरीद के उसको 200 का बना देते हैं। चाइना यही करना चाहता है। चाइना अभी इस समय हर समय आगे रहे, ले लो हमसे ले लो, तो चाइना की इज्जत नहीं होगी। तो ये आप इसको हेरा फेरी पिक्चर के बाबूराव की तरह देखो, ये बाबूराव का स्टाइल है, चाइना का स्टाइल है, इसलिए थोड़ा रुक करके आएगा। ये तो उनके अल्टीरियर मोटिव्स हैं। आप सोचो ना क्यों जाएगा पाकिस्तान उनके पास, 150 यूएन के ब्लॉक लिस्टेड आतंकवादी इस समय पाकिस्तान में रहते हैं। अब यूएनएससी में जब इनके खिलाफ में जब कोई वोटिंग होती है तो चाइना वहाँ इनके सपोर्ट में उतर आता है, इनको चाइना की बहुत जरूरत पड़ेगी। ग्लोबल टेररिस्ट आज भी सारे पाकिस्तान से ओपनली ऑपरेट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान अपनी इमेज टेररिस्ट को दोनों को ग्लोबल स्टेज पे बचाने के लिए यूएनएससी की जो उसके पास में वीटो पावर है उसका इस्तेमाल करेगा। और ये डूबते को तिनके का सहारा है। और ये आप सोचो ना, पिछले 20 साल में यूएस ने $32 बिलियन दिया और पिछले कुछ सालों में चाइना ने $30 बिलियन दे दिया। तो चाइना अभी है साथ में, शहबाज शरीफ बोल भी रहे हैं कि हमारी इकोनॉमिक चैलेंज इस समय अनइमेजिनेबल है, IMF जो बोल रहा है वो हम मान नहीं सकते, और अगर हम नहीं माने तो हम कहीं के रहेंगे नहीं। तो इसलिए अभी ये दोनों तरफ ट्राई मारते रहेंगे और चाइना तब इनको सपोर्ट करने के लिए आएगा। वैसे भी आपको बता दूं, पिछले लगभग 75 साल की आज़ादी में ये 23वां बेल आउट है पाकिस्तान के लिए। हर 3 साल में पाकिस्तान कटोरे के लेवल पे आ जाता है भिक्षा मांगने के लिए, और उसके बाद IMF आकर के उसको जिंदा करता है मरे हुए पाकिस्तान को। तो 75 साल में 24 बार इस समय ये अब तक जाकर के IMF से बेल आउट ले चुके हैं। पूरी दुनिया में इतना बेल आउट किसी ने नहीं मांगा, पूरी दुनिया में ये एकमात्र ऐसा देश है जो हर 3 साल में बैंक करप्ट होने के एवरेज निकाल के बता रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं हर तीसरे साल होता है, पर एवरेज हर 3 साल में खत्म हो जाता है। सऊदी अरेबिया से ये कोशिश कर रहे हैं अभी 4 बिलियन के लिए, UAE से कोशिश कर रहे हैं 1 बिलियन के लिए, और चाइना को ये 1.5 बिलियन के लिए रिक्वेस्ट कर चुके हैं। 1 बिलियन के आसपास IMF से भी ट्राई कर रहे हैं। अब देखो आगे क्या होता है इंडिया के साथ में, मैं समराइज कर देता हूँ। इंडिया के साथ में पाकिस्तान का कमजोर होना साउथ एशिया और पाकिस्तान पर चीन की पकड़ और ज़्यादा मजबूत बना देना है। जितना ज़्यादा इंडिया ये कमजोर होगा चीन और अंदर घुसेगा, IMF बेल आउट नहीं करेगी, चीन फिर से हीरो बनेगा, पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत को घेरने में लगेगा। इंडिया के दो पड़ोसी श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों कमजोर तो सार्क और ज़्यादा कमजोर, सार्क और ज़्यादा कमजोर तो चाइना और अंदर घुसता है। और पाकिस्तान के लिए अगर आप मुझसे पूछें सुझाव क्या है, सुझाव ये है कि पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी में भरोसा देने के लिए एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाना चाहिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों पर काम करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मतलब IMF और चाइना से पैसा उठाए, और लॉन्ग टर्म में रिस्ट्रक्चर करे एनर्जी स्ट्रक्चर सेक्टर को, कैश की इकोनॉमी को बंद करें, जो कच्चे के धंधे चल रहे हैं इनके यहाँ सारे काम कच्चे में हो रहे हैं, मनी सर्कुलेशन के उसको बंद करें, टेररिज्म को रोके, 20% इनकी GDP कच्चे में चल रही है, और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है भाई, इनकी लोकेशन बहुत अच्छी है देवी जी, ये साउथ एशिया सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के बिल्कुल बीच में बैठे हैं, रीजनल इकोनॉमिक हब है ये।
अगर वहां इंफ्रा अच्छा कर दें और ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंफ्रा अच्छा कर दें, सड़कें बनाए जहां से क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन और बिजनेस अच्छा हो, तो और रेवेन्यू जनरेट करेंगे। एक्सपोर्ट इनके हो नहीं रहा, उसको कराएं ये। लेकिन जिस तरीके का टेररिज्म बढ़ रहा है अब, तो इनके साथ वो सिलसिला हो गया स्नेक्स इन द बैकयार्ड, तो जो है TTP से लेके सारे इनके उल्टे हो चुके हैं। तो इस दौर पे ना तो कोई बड़ी कंपनियां पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, ना अगर आप खिलाड़ियों की बात करें तो वो पाकिस्तान में जाके खेलना चाहते हैं। तो ये भी एक जो है बहुत बड़ा डार्क साइड है पाकिस्तान का, कि अगर वो चाहें भी तो जो निवेशक हैं वो आने से कतराएंगे जिस तरीके का। बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। दिव्या, आपने बिल्कुल ठीक बोला। इस सब ना लीडरशिप पर डिपेंड करता है। जब लीडरशिप मजबूत होती है तो चीज़ें अच्छी होती है, लॉन्ग टर्म होती है। मैं बहुत सालों के बाद हमारी इस वित्त मंत्री की तारीफ इसलिए करता हूँ क्योंकि इन्होंने बांटने की चक्की जगह लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया है, जिससे इकोनॉमी बचती है। बांटने से इकोनॉमी घटती है। एक रुपए की रेवड़ी बांटो, 90 पैसे की इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, और एक रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाओ, 3.5 रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। इन्होंने जो हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है, मेरे लिए ये वित्त मंत्री बहुत बुद्धिमान रही हैं। मैं चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की होती, आज ये कांग्रेस की होती तो भी इनकी तारीफ करता, आम आदमी पार्टी की होती तो भी करता, बीजेपी की है तो भी करता। जब आपने वित्त मंत्री का जिक्र कर दिया तो मैं चाहूंगी कि आपके जवाब के साथ जो है आप बजट पर भी जो है कुछ अपना बता दें जनता को। लेट हो गया लेकिन फिर भी आपने पूछा है, बजट पे मैंने काफी चर्चा वित्त मंत्री का जिक्र किया, तो फिर मुझे लगता है कि बजट पे अगर आप कुछ अपना बता दें तो। देखो, आप ऐसे समझो 4.5 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ से 7 लाख करोड़, 7 से 10-12 लाख करोड़, इस समय इनको इन्होंने जो इंफ्रा पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, इंफ्रा पे इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी होता है, वही हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पुश देता है। आप सोचो 25 किलोमीटर की छोटी सी नोएडा एक्सप्रेसवे है, उसके कारण 1 लाख मकान बन गए, उसके कारण 25,000 ऑफिस बन गए, उसके कारण मॉल्स बन गए, उसके कारण कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाना ये लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट देता है। इस सरकार ने अपनी कमाई को भी बढ़ाया है, 10 लाख करोड़ से लगभग 13 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन भी इन्होंने किया है, और इन्होंने सबसे डिफिकल्ट समय में जब आस पास में सबका हो गया था हाल बेहाल, हमारी अभी भी मजबूती आगे की दूर की सोच के लिए उसका कारण यही है कि डिसीजन उन्होंने लॉन्ग टर्म लिए हैं, शॉर्ट टर्म नहीं लिए हैं। और कुछ कमियां तो सारे बजट में रहती हैं, एक बजट कोई संपूर्ण परिपूर्ण तो होता नहीं, ये भी परिपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं जब ये एंटरप्रेन्योरशिप को इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाते तो मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म चलेगा। ये अमृतकाल वाला बजट वास्तव में था, तो मैं इस बजट को हमेशा आसानी से 8 नंबर देता हूं 10 में से। पर बहरहाल आपने, मैं जाते वक्त ये कहूंगा कि बहुत लंबा आप लोग का समय नहीं लूंगा, ये जरूर कहूंगा पाकिस्तान के विषय में कि पाकिस्तान में 2 पाकिस्तान है, एक टिम हॉटन्स के बाहर लाइन लगाता है, दूसरा 1 बोरी आटे के लिए लड़ रहा है। 1 करोड़ के बजट पर जो फौज वाला है, फौज का आदमी, 1 करोड़ के बजट पर ऐश कर रहा है, दूसरा IMF की तरफ कटोरा लेके खड़ा है। एक तरफ इनके यहाँ 4 सूबे हैं, एक तरफ सूबा आजाद होने की कोशिश कर रहा है, दूसरा जम्मू कश्मीर के लिए छाती पीट रहा है, एक पाकिस्तान भूख से मर रहा है, दूसरा पाकिस्तान एटमी पावर की शान बघार रहा है। तो वहाँ 2 पाकिस्तान है, यहाँ पे बहुत बहुत डुप्लीशियस हो चुका है इस समय देश, लीडरशिप की बहुत कमजोरी है। इसलिए मैं कहूँगा ये वो मछली है जो पूरे तालाब को गंदा कर रही है, और वही मछली इस समय पाकिस्तान है जिसके बारे में अमेरिका ने बोला ही है कि इंटरनेशनल माइग्रेन है। अब जिसको ये फोन करते हैं उसको लगता है पैसे मांगेगा। ऐसा होता है जब कहीं रिश्तेदार भी दूर कर लेते हैं सारे रिश्ते, जब समझ में आता सामने वाला तकलीफ में है इसका फोन आया पैसा मांगेगा। दोस्त भी जब नौकरी चले जाती है लगता है इसका फोन आया पैसा मांगेगा, फोन उठाना बंद कर देते हैं। इसी तरह दुनिया ने इनका फोन उठाना बंद कर दिया। मैं यही कहूंगा कि इनको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पे काम करना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर विवेक बिंद्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका TV9 भारतवर्ष से बात करने का। और तमाम यहाँ पे वीडियो एंड होता है। ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी जो हैं उनके कुछ वर्ड्स थे जो इन्होंने एक्सप्लेन किए हैं रिगार्डिंग पाकिस्तान के बारे में, और पाकिस्तान की जो आजकल करंट सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर उन्होंने अपना बहुत ही ज्यादा डीपली एक्सप्लेन किया है, जिसमें मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि लास्ट में उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है, मतलब कि एक रियलिटी और फैक्ट के ऊपर बात की है कि पाकिस्तान 2 तरह की इस वक्त बने हुए हैं। एक पाकिस्तान है जो टीम के बाहर रश लगा के बैठा है और लाखों में जो है वो बाय कर रहे हैं, और एक वो है जो लाइन में बैठा है और आटे की बोरी सस्ते में खरीदने की कोशिश में है बेचारा गरीब, और उसमें न जाने कितनों की तो जाने भी चली गई। तो ये हमारे पास 2 टाइप्स के हैं। मैं ये कहती हूँ कि हमारे यहाँ पर कहते हैं कि पाकिस्तान गरीब है,
और चूंकि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस वक्त गरीब कंट्री है, पाकिस्तान गरीब कंट्री नहीं है, पाकिस्तान कैसे गरीब हो सकता है। यहाँ पर आप 250 रुपए लीटर, मतलब 210 से लेकर 250 के बीच में आप अच्छी क्वालिटी का मिल्क बाय कर रहे हो, क्योंकि खाने पीने के बगैर लोग नहीं रह सकते। टमाटर आप बाय कर रहे हो और प्याज आपने 400 रुपए किलो भी बाय किया है, आटा आप 800 रुपए किलो, मतलब 600 से 800 के बीच में डिफरेंट प्राइसेस में आपको आटा मिल रहा है मार्केट में, तो लोग बाय कर रहे हैं। तो फिर जब हम लोग पेट्रोल 250 रुपए लीटर बाय कर सकते हैं, 600 रुपए के, 500 रुपए के सिगरेट्स बाय कर सकते हैं, और तो और ऑयल हम बाय कर सकते हैं 600 में, तो आप सोचें ऐसी कौन सी कंट्री होगी जहां पर इतना महंगा कोई चीज से ग्रोसरी बाय करता होगा। तो पाकिस्तान गरीब नहीं है, ये वो मुल्क है जहां पर आप नई गाड़ी आती है मार्केट में तो सबसे पहले रश लग जाता है, और सब जैसे ही आती है और रोडों पे वो नजर आती है चलाते हुए, लोग चला रहे होते हैं न्यू ब्रांड की, न्यू मॉडल की गाड़ियां, गाड़ियां चलना नहीं रुकी हैं, हर चीज सेम टू सेम चल रहा है, भले वो एक्सपेंस जितने भी बढ़ते जा रहे हैं लेकिन लोग अपने काम को चला रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे टू टाइप्स के हैं, एक है बहुत ही निचला तबका जिनके पास पैसा बिल्कुल नहीं है और वो बहुत ही गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं और पैसा मांग रहे हैं लोगों से, और दूसरी तरफ ऐसे लोग मौजूद हैं जो अच्छा खासा उनके पास इतना पैसा है कि वो लुटाने को भी तैयार है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर ये है कि हमारे जो है इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बिल्कुल काम नहीं हो रहा, ऐसे लगता है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल रुक चुका है, क्योंकि जब से मैं देख रही हूँ यहाँ पर कोई काम कंटिन्यूसली चल नहीं रहा, कोई ऐसे नई प्रोजेक्ट्स हमें देखने को नहीं मिल रहे जो कि होने चाहिए। इमरान खान ने अपनी गवर्नमेंट में काफी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट करवाए थे, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाए थे, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स भी अब उसका भी कोई नामो निशान समझ में नहीं आ रहा कि हो भी रहे हैं, कंटिन्यू है भी कि नहीं है। फिर सीपैक का प्रोजेक्ट आप देखें तो वो भी रुका हुआ है। तो विवेक सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर हम अपनी कंट्री को डेवलप करने पे फोकस करें, बिजनेस यहाँ पर करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं, और ताकि और उसके साथ जैसे एक रोड बनेगा तो उसके साथ कितनी शॉप्स बनेंगे, कितनी घर बनेंगे, कितने सिस्टम हो सकता है जिससे और बहुत सारी चीजों में आपको फायदा होगा। तो दूर की सोच रखकर आपको डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करना चाहिए, कंट्री के ऊपर फोकस करना चाहिए। दूसरी बात, अब तो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि जिस कंट्री को भी जाहिर सी बात है हम कॉल करेंगे तो वो तो यही कहेगा ना, इसने लेने के लिए फोन कर रहा है, हालचाल पूछने के लिए थोड़ी कर रहा है, तो फिर लोग नहीं ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स देते हैं। तो एनीवेज जो है हमारे अपनी कंट्री के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, स्पेशली जो बिजनेस है उसके ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और अपने आप को डेवलप करने की जरूरत है। बाकी इंडिया पे तो जाहिर सी बात है, जब इंडिया अगर चाइना का इन्वॉल्व ज्यादा पाकिस्तान में होता है तो डेफिनेटली इंडिया पे असर पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी चाइना इंडिया के बॉर्डर के साथ है, और फिर पाकिस्तान के थ्रू भी अगर चाइना इंडिया तक पहुंच गया तो फिर इंडिया के लिए और भी ज्यादा सेफ्टी के लिए फिर वही है, वैसे तो इंडिया का डिफेंस सिस्टम बहुत बेहतर है लेकिन और मजीद इंडिया को इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने डिफेंस सिस्टम को और बेहतरीन बनाने के लिए, जो कि अभी कर भी रहे हैं, तो इंडिया पे तो असर पड़ेगा। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त हर कंट्री से बेहतर रिलेशन बनाने की जरूरत है, और तो और अगर हम अच्छे रिलेशन बनाते हैं तो उनसे हमें फायदा होगा, जब हम उनसे बॉर्डर क्रॉसिंग से हम लोग काफी कुछ बाय कर सकते हैं, एक्सपोर्ट का सिस्टम बढ़ा सकते हैं, इम्पोर्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हमें सस्ते में मिल सकती हैं जो कि हम वाया दुबई से मंगवा रहे हैं, तो ये सारी चीजों से हमें काफी ज्यादा छुटकारा मिलेगा, और जो हम डबल कीमत में ट्रिपल कीमत में बाय कर रहे हैं वही हमें इंडिया से डायरेक्ट हमें चीजें मिल सकती हैं, तो उससे हमें और ज्यादा सस्ता पड़ेगा। बाकी जो है वो इतने कम समय में भाई इतना कुछ कोई जमा कर रहा है तो फिर उसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होगी डेफिनेटली। तो गाइज आप लोग इसके ऊपर क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, मैं आप लोगों की राय जानना चाहूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय बाय।